हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आकांक्षा रियल लाइफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे का दिन, छुट्टी का दिन। ऑब्वियसली आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और डेली का जो काम है, लोग कहते हैं ना छुट्टी है छुट्टी है, लेकिन संडे के दिन काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मुझे जाना है किचन में, क्योंकि खाना उठ चुका है, उसे दूध वगैरह देना है। तो चलिए अपने डेली लाइफ में आपको भी शामिल करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज है छुट्टी, तो खाना लेट से उठा है और अभी उठ के ब्रश करके आया, तो मैं उसे दे रही हूँ दूध। दूध अभी जस्ट आया, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी मुझे दूध बनानी है। और उसके बाद आटा मैंने लगा लिया है, सब्जी अभी तक नहीं काटी है, आटा लगा हुआ है। और सुबह एक्चुअली क्या होता है ना, सब लोग पराठे खाते हैं, मलाई मिर्ची हरी मिर्च का अचार, इन सब के साथ पराठे खाते हैं। तो किसी और चटनी, चटनी तो मैं हमेशा ही पीस के फ्रिज में रखती हूँ, ताकि पराठा अगर बन गया तो चटनी के साथ खाया जा सकता है। सब्जी का झंझट सुबह सुबह नहीं रखती हूँ, ठंड के दिनों में स्पेशली, क्योंकि सब्जी मेरी अभी भी फ्रिज में रखी हुई है और आटा गूंदा हुआ है। और मैं अभी पराठा बना लूँगी, आलू उबला हुआ है, तो अभी मैं पराठा बना लूँगी, जब जो खाएँगे उसी वक्त बनाऊँगी, बना करके नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम में फ्री हो जाती हूँ थोड़ा सा। और ये आ गया कान्हा, अपनी साइकिल पे सवार हो गया। एक्चुअली इसे बर्थडे गिफ्ट मिला है ये और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी साइकिल दिखाने के लिए। जैसे ही देखा इसने कैमरा ऑन है फटाफट से दिखाना चालू कर दिया। और आज मैंने मशीन भी लगाई है, क्योंकि कपड़े इकट्ठे हो गए थे और सुबह सुबह लगा ली है। और उसके बाद उसको दूध दे करके फिर मैं आ गई हूँ रूम में, अपना बेडरूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि ठंड के दिनों में ना बहुत ज़्यादा कम्बल वगैरह निकल जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है, जिसे हर रोज़ क्लीन करना पड़ता है। और ये देखिए फिर से अपनी साइकिल उठा करके रेडी है, इसे अपनी साइकिल दिखानी है बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से ये बोल रहा था कि मुझे वो वाली साइकिल चाहिए, वो वाली साइकिल। मुझे लगा कि नहीं, इसको बर्थडे गिफ्ट यही दिया जाएगा, तो फिर यही मैंने इसे मंगा करके दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने कम्बल वगैरह समेटने में। गर्मी के दिनों में ना ये सारे लफड़े नहीं होते हैं, कम्बल वगैरह समेटना, फटाफट से बेडशीट उठाया, झाड़ दिया, हो गया, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर तीन लोग सोते हैं और तीनों का अलग अलग कम्बल है, क्योंकि एक दूसरे का खींचते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग तीन कम्बल लेकर के सोते हैं। अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आई है, अभी बस इसी पतले कम्बल से काम चल रहा है, और उस पर से भी फ़ैन ऑन करना पड़ता है रात में, तो उतनी ज़्यादा ठंड अभी आई नहीं है। अभी सुबह का टाइम और मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है, तो सोचिए बच्चों के लिए ठंड है, बच्चों को मैं स्वेटर डाल देती हूँ, बट बड़ों के लिए अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। और इसको करने के बाद फिर मैं मशीन से कपड़े निकालूंगी, क्योंकि मशीन भी मेरी सीटी दे रही है कब से, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चलो इसको कर लेती हूँ, उसके बाद निकालती हूँ। तो बेडशीट भी मुझे इस रूम का चेंज करना है आज, तो चलिए फटाफट से सारे काम निपटाते हैं। और ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ऊपर देखिए हैप्पी लिखा हुआ है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, कान्हा का बर्थडे था 18 नवंबर को, और उस दिन उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा था और वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो फिर उस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ, जो कि हम लोगों ने किया 24th को, परसों था, तो 24th को किया। तो कुछ अभी खुल गए, कुछ बाकी है, तो उसका भी क्लिप थोड़ा सा मेरे पास है, आपको शायद ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले मैं वो क्लिप लगा लेती हूँ, आप लोग देखिए। तो ये है बर्थडे वाले दिन का क्लिप। आज हम लोगों ने सोचा कि चलो कान्हा का बर्थडे मनाया जाए, क्योंकि अब उस दिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज सारी कुछ प्रिपरेशन हो रही है। और यहाँ पे सन्नी बैलून फुला रहा था और फिर कान्हा भी आ गया, तो वो फुलाने लग गया और ये बांधने लग गया, दोनों मिलकर ढेर सारे बैलून फुला लिए हैं और बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड है, इसे बहुत मज़ा आ रहा है मशीन से बैलून फुलाने में, फुला फुला करके देता जा रहा है, तो इससे काम जल्दी हो जाता है वैसे भी। और बच्चे को इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ मंगाई थी एमरजेंसी, एक चीज़ मंगाई थी बैलून स्टैंड, तो उसी को मैं ओपन कर रही हूँ, अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये इस तरीके से कुछ मुझे रिसीव हुआ है, गोल सा है, फिर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंटर्स हैं और पाइप हैं ढेर सारी। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कैसे होगा, कैसे इसमें बैलून लगेंगे, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। और एक इसमें पीस जो है ना वो डैमेज आ गया था, लेकिन काफ़ी दिन, मतलब एक मंथ से ऊपर हो गए मुझे मंगाए हुए, मैंने निकाल करके इसे चेक नहीं किया था, और अब देख रही हूँ तो ये डैमेज है और अब ये रिटर्न भी नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, तो अब इसे ही यूज़ करना पड़ेगा।
और ये देखिए छोटे छोटे बड़े हर साइज के इसमें पाइप लगे हुए, मैं आपको ज्वाइंट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने प्रॉपर ज्वाइंट कर लिया और इसमें एक बैलून कम है और लगेंगे ऊपर एक, और ये 6-7 बैलून इसमें लगते हैं एक स्टैंड में। और ये बहुत ही इजली मतलब कि रखा जाता है टेबल पर। मुझे पहले लग रहा था कि क्या पता गिर जाएगा, बहुत हल्का है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और ये है कान्हा का केक, हैप्पी बर्थडे, केक आ चुका है। और डेकोरेशन जो हम लोगों को आती थी, जैसी आती थी वैसी हम लोगों ने कर ली है, तो कुछ इस तरीके से किया है हम लोगों ने डेकोरेट। और बैलून स्टैंड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये उसका दोस्त है सिवेस, इसने कैप मांगी और ये ज़बरदस्ती उसे पहना रहा है कि नहीं तू पहन तू पहन तू पहन, और उसका पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। तो ये देखिए हैप्पी बर्थडे, ये आई थिंक रेड गोल्डन कलर पे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट ठीक है कोई नहीं। तो चलिए अब केक काटने की प्रोसेस को अंजाम देते हैं। ये जल्दी फूटता नहीं है पता है। नहीं घूम रहा ना। हाँ हो गया, हो गया।
तो ये है कान्हा का बर्थडे गिफ्ट जो कान्हा को हम लोगों ने दिया है, और कान्हा बहुत ज़्यादा खुश है इसे खोलने के लिए, इसे चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, और हम लोग भी बहुत खुश हैं। देखो जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप के चेहरे पे ऐसे ही खुशी आ जाती है। और आप लोग इससे आशीर्वाद दीजिएगा, और मिलूंगी, वीडियो को करती हूँ यहीं पर ख़त्म, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए मिलूंगी, बाय बाय अगले व्लॉग में, और इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को। और इसका गिफ्ट अनबॉक्स हो चुका है, चलो आपको भी दिखाई देती हूँ पूरा। वैसे आप लोग तो देख चुके हो, शुरू में ही इसने दिखाया था ना जो साइकिल, वही वाली साइकिल है ये, देखिए ओपन हो गया इसका साइकिल। इसका ब्लू कलर चाहिए था तो ब्लू कलर ही हम लोगों ने मंगा के दिया। तो चलिए बाय बाय, मिलूंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।